सरकार ने भारतीय सेना के लिए 5 साल के एक्शन प्लान को हरी झंडी दे दी है। ऐसा 26/11 आतंकी हमले को ध्यान में रखते हुए किया गया है। करीब 32,000 करोड़ के इस प्लान के तहत थल सेना, वायु और नौसेना के लिए हथियारों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। कोस्ट गार्ड, आर्मी, वायुसेना और नेवी के बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आने वाला सबसे छोटा सशस्त्र बल है। हालांकि मुंबई पर वर्ष 2008 में हुए 26/11 के हमले के बाद इसकी भूमिका बेहद अहम हो चली है। इस एक्शन प्लान के तहत कोस्ट गार्ड को पेट्रोल वाहन, बोट्स, हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट और अन्य अहम साजो सामान से लैस करने की तैयारी है।